हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर ग्रुप डिफेंस एकेडमी दोस्तों। तो आपके सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और थर्ड वीडियो है ये, तो इसमें सिंपल फ्यूचर कराएंगे। टेंस की सीरीज चल रही है, उसमें सिंपल फ्यूचर आज कंप्लीट हो जाएगा। हेडिंग डालो सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर के अंदर क्या है कि जो काम होने वाला है और इसमें जो काम होगा, यानी कि फ्यूचर में जो काम होने वाला है वो किसके अंदर आएगा, किस टेंस के अंतर्गत आएगा, वो सिंपल फ्यूचर के। ठीक है, जैसे अगर हिंदी की बात करें, अगर हिंदी के वाक्यों में क्या आ जाए एंड में, गा गी गे आदि शब्द आ जाए, तो हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस है वो सिंपल फ्यूचर। ठीक है, जैसे मैंने एक टेंस लिख दिया यहां पे, उससे पहले टेंस कराने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। जैसे सेल कहां पर आएगा और विल कहां पर आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ सेल रखना है और किसके साथ हमें विल का यूज करना है, तो आई और वी। ठीक है, आई और वी यानी कि ये कौन से पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन। हमेशा याद रखना कि फर्स्ट पर्सन के साथ ही हम किसका यूज करेंगे, सेल या विल, किसका सेल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ किसका यूज करेंगे, विल का। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, यू हो गया, ही हो गया, ही सी इट दे, ये किसके अंदर आएंगे, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के अंदर। तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो कुछ इनके फॉर्मूले में बता दूं कि किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर रहने वाला है। अगर पॉजिटिव यानी कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा सिंपल फ्यूचर का, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले अगर सब्जेक्ट आएगा, फिर सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें सेल या विल का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म भी कह देते हैं, फर्स्ट फॉर्म को कौन सी फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। तो उस फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, बेस फॉर्म का यूज करना है सिंपल फ्यूचर के साथ हमेशा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज, सबसे एंड में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें, अगर इसी में नेगेटिव है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, इसके तुरंत बाद नोट का यूज कर देंगे नेगेटिव में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं एफर्मेटिव, या फिर हम क्या करें, ये सेल या विल और नोट को क्या लिख सकते हैं, सेंट लिख सकते हैं, सॉल नोट को, सेल और नोट को सेंट करो, सेंट लिख सकते हैं, और विल और नोट को, विल और नोट को वोंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वोंट लिखेंगे। ये हो गया तुम्हारा। अब देखते हैं अगर इसका इंटरगेटिव है, इंटरगेटिव का क्या रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इंटरगेटिव है तो सबसे पहले अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, और उसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का यूज कर देंगे। इंटरगेटिव है तो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके तुरंत बाद सेल या विल का यूज करेंगे, सेल या विल का यूज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। तो यहां पर हमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब इंटरगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, उसके तुरंत बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, एंड में हम
क्वेश्चन मार्क रखेंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू एच वर्ड हमें सबसे पहले लिखना है, फिर उसके बाद सेलिया विल, सेलिया विल का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम, उसके तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? नोट लगाना है। याद रहे किस हेल्पिंग वर्ब और नोट के बीच में सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा आपका, इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताऊं, कुछ सेंटेंस यहां पर बना के दिखाता हूं आपको। तो इस तरीके से अगर इसके अलावा किसी और फॉर्म में लिख रहा है, किसी और स्ट्रक्चर में लिख रहा है जो मैंने यहां पर बताया है, जो फॉर्मूले मैंने यहां पर बताए हैं, ठीक है, उसके अलावा किसी और तरीके से लिख रहा है तो हम उसको गलत मानेंगे, और एरर वाले क्वेश्चंस में हमेशा इस तरह की गलतियां देता है वो, तो वहां पर हमें इनको छांटना है कि किस वाले क्वेश्चन में एरर है। तो उसके लिए हमें इस टेंस जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, अगर मैंने हिंदी में लिख लिया क्या कि वह मंदिर जाएगी, ठीक है, वह मंदिर जाएगी, या फिर मैं आगरा जाऊंगा, या फिर मैंने लिख लिया क्या वह हमारे साथ खेलेगी, क्या वह हमारे साथ खेलेगी। और लिख सकते हैं हम वह खाना नहीं खाएगी, या फिर राधा की जगह कुछ और लिख सकते हैं हम कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये नेगेटिव हो गया आपका। और एक और लिख सकते हैं हम ऋतु हमारे हम ऋतु हमेशा झूठ बोलेगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे, तो इनको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अगर एफर्मेटिव है तो ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का एफर्मेटिव है, तो यहां पर एफर्मेटिव, ये एफर्मेटिव हो गया, ये भी एफर्मेटिव है, ये इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। अब देखें कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो ये कौन सा हो गया अपना? नेगेटिव हो गया, सिंपल नेगेटिव। उसके बाद हमें क्या है? ऋतु हमेशा झूठ बोलेगी, तो ऋतु हमेशा झूठ बोलेगी, तो ये भी कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अब हम इनको बनाएंगे, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहा हमारा? अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल या सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह मंदिर जाएगी, तो वह मंदिर जाएगी, तो वह के लिए क्या लगाएंगे? लड़की है, फीमेल है, तो वह के लिए सी का यूज करेंगे, सी का, ठीक है, तो फीमेल है तो सी का यूज करेंगे वह के लिए। तो यहां पर लिखना हमें शी। अब ये कौन सा पर्सन हो गया? ये पर्सन है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के साथ मैंने बताया था विल का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ विल का यूज करेंगे, तो यहां पर लगाना है इसके साथ तुरंत विल, सी विल। अब बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो वर्ब यानी जाने के लिए क्या आएगा? गो, तो गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गो टू टेंपल, ठीक है, शी विल गो टू टेंपल। अगर हम इस पर एम्फेसाइज करते मंदिर पर, इसको इस पर ज्यादा जोर देते मंदिर पर, तो हम क्या लगा सकते थे कि वह मंदिर को जाएगी,
तो अब यहां पर को लगा देंगे तो इसका मतलब है कि मंदिर को ही जाएगी, वो कहीं और नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है, इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं मंदिर पर, तो हम यहां पर आर्टिकल द का यूज कर सकते थे। ठीक है, अब आएगा सेकंड क्वेश्चन, क्या है, मैं आगरा जाऊंगा, मैं आगरा जाऊंगा, तो आए, आई के साथ क्या लाएगा, फर्स्ट पर्सन है तो सर, आई सर। लेकिन जब क्वेश्चन या क्वेश्चन बोले या फिर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो प्रोनाउंसिएशन में हमेशा क्या करेंगे, विल या सेल, सेल या विल कोई सा भी लगा सकते हैं प्रोनाउंसिएशन में। लेकिन जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो ग्रामर में सही कौन सा रहेगा, सेल, आई के साथ, आई सेल गो टू आगरा, क्या वह हमारे साथ खेलेगी, क्या वह हमारे साथ खेलेगी, तो यहां पर भी फीमेल है। तो मैंने क्या बताया था, इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है, अगर नहीं है डब्ल्यू एच वर्ड तो हम क्या करेंगे, सेल या विल के साथ स्टार्ट करेंगे। यहां पर कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है बीच में, तो स्टार्टिंग में अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो उसके लिए कोई डब्ल्यू एच वर्ड नहीं लगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से इसको बनाएंगे, तो क्या आएगा, विल सी, ठीक है, विल सी प्ले, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारे साथ विल सी प्ले, अब हमारे साथ के लिए क्या आएगा, विद अस, विद अस, ठीक है, हमारे साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, इसके लिए क्या आएगा, सी मैं, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई, आई आई सेल नॉट ईट, आई सेल नॉट ईट। ऋतु हमेशा झूठ बोलेगी, अगर यहां पर आता मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, तो इसके लिए क्या आता, आई सेल नॉट ईट टूडे, ठीक है। तो यहां पर इसके साथ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब देखेंगे, ऋतु हमेशा झूठ बोलेगी, या फिर क्या आता, क्या ऋतु हमेशा झूठ बोलेगी, क्या ऋतु हमेशा झूठ बोलेगी, तो विल ऋतु हमेशा, अब इसके लिए क्या आएगा, हमेशा के लिए क्या आएगा, ठीक है, तो विल ऋतु बोलने के लिए अब क्या आएगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता, फिर अगर इसमें क्या है, सेल या विल है, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका यूज करेंगे, वर्ब का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है, विल ऋतु, अब हमेशा के लिए क्या लग जाएगा, ऑलवेज, विल ऋतु ऑलवेज टेल अ लाई, विल ऋतु ऑलवेज टेल अ लाई, इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं, कोई भी सिंपल फ्यूचर का अगर हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस अगर आपको मेक करने में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने यहां पर लिखा क्या अस, तो अस हम, ये कौन से फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसकी, वी की, ठीक है, तो ये भी हमें आना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों को एक टेबल बताता हूं जो कि प्रोनाउन की है, वो भी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सब्जेक्टिव केस, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद पजेसिव केस, उसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव केस, केस की जगह प्रोनाउन भी लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस को क्या बोल सकते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक
ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और रिफ्लेक्टिव केस। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि सब्जेक्टिव, जो चीज सब्जेक्ट है यानी कि पहले लगे उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, जो एंड में लगे उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। और पजेसिव में क्या होता है, जैसे पजेसिव का क्या मतलब है, आप लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत ज्यादा पजेसिव हो गया। पजेसिव का क्या मतलब है कि जैसे ये मार्क, ये जो मार्कर है वो किसका है, मेरा है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई बोर्ड। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, ये जो बोर्ड है वो किसका है, मेरा है, ठीक है। तो जब भी अपनी बात करें, अपना बताए, किसी चीज को अपना बताना हो तो हम किसके यूज करेंगे, पजेसिव केस का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर में आई और वी आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा अपना, ही शी इट और दे, ही सी इट और दे का यूज कर देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनेगा, आई का ऑब्जेक्ट बनेगा मी, वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा अस, यू का क्या रहेगा, यू ही रहेगा ऑब्जेक्ट हमेशा, और ही का क्या बन जाएगा, हिम, ही का क्या बन जाएगा, हिम, सी का क्या बन जाएगा, हर, इट का क्या बन जाएगा, इट का एट ही रहेगा, और दे का क्या बन जाएगा, देन, ठीक है। अब पजेसिव की बात है, रिफ्लेक्टिव केस मैंने आप लोगों को नहीं बताया, जैसे कि रिफ्लेक्टिव का क्या मतलब है, जैसे फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिरर होता है, ठीक है, मिरर के सामने अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो मिरर में कौन दिखेगा, वो व्यक्ति खुद ही दिखेगा, स्वयं दिखेगा, यानी अपने आप को, अपने आप ही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, खुद दिख रहा है। तो यहां पर स्वयं, अपने आप को बताना, यानी स्वयं को दर्शाना है, स्वयं अपने बारे में बताना। तो स्वयं के लिए किसके यूज करेंगे हम, रिफ्लेक्टिव का यूज करेंगे। तो आई का पजेसिव क्या रहेगा, आई का पजेसिव दो हो जाते हैं, माई और माइन, ठीक है, माई और माइन। यू का क्या रहेगा, यू का पजेसिव क्या रहेगा, योर, वी, वी रहेगा, तो वी का पजेसिव क्या हो जाएगा, आवर। यू का क्या हो जाएगा, योर, ही का क्या हो जाएगा, हिज, सी का क्या हो जाएगा, हर या हर्स भी कर सकते हैं, इट का क्या हो जाएगा, इट्स, दे का क्या हो जाएगा, देयर, ठीक है। अब आई का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टिव केस, माई सेल्फ, माई सेल्फ। वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैं खुद से प्यार करता हूं तो इसके लिए क्या बनाऊंगा मैं, कि मैं खुद से अपने आप के लिए तो बता रहा हूं, मैं स्वयं के लिए बता रहा हूं, तो आई लव माई सेल्फ, तो माई सेल्फ, ठीक है, तो माई सेल्फ आ गया। इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं, वी का क्या हो जाएगा, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ, या फिर जब हम इसको प्लूरल बनाते हैं सेल्फ को तो क्या बन जाता है, आवर सेल्फ, वी एस आ जाता है, किसकी जगह पे, एफ की जगह पे, आवर सेल्फ भी लिख सकते हैं। यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ, योर सेल्फ। ही का क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। सी का क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ऐसे ही इट का क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। और दे का क्या हो जाएगा, देम सेल्फ, देम सेल्फ। या इनको क्या बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं, वी एस लगाकर, इनको हटा के, एफ को हटाकर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता दें। थैंक यू।